अब मैं अर्जुन रानावत की माँ शकुंतला देवी को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है शकुंतला देवी जी। कल जब अदालत आपके बेटे को देशद्रोही घोषित करके मृत्युदंड देगी तो क्या आपको इसकी मां होने की शर्मिंदगी नहीं होगी, अफसोस नहीं होगा? अफसोस, अफसोस तो इस बात का होगा कि मैंने इसे पैदा क्यों नहीं किया। अफसोस इस बात का होगा कि इस देश के हर माँ ने एक अर्जुन क्यों नहीं जना। अफसोस नहीं जज साहब, अर्जुन की मौत पर तो मुझे गर्व होगा, वैसा ही गर्व जैसे भगत सिंह की शहादत के रोज उसकी माँ को हुआ होगा, हर देशवासी को हुआ होगा। जज साहब, इस जन्म में तो क्या मैं हर जन्म में अर्जुन की मां बनकर जीना और मरना चाहती हूं। वाह, क्या भाषण है, अद्भुत, लाजवाब। मगर मैं अदालत को याद दिला दूं कि यह एक सामूहिक हत्याकांड का मुकदमा है जिसका आरोपी अपना जुर्म कबूल कर चुका है। और जज साहब, मैं अपने काबिल वकील साहब को यह भी बताना चाहता हूं कि मुकदमा सबूतों और गवाहों से लड़ा जाता है, भाषणबाजियों, नौटंकियों और तमाशों से नहीं। और फिर जज साहब, जब आरोपी के वकील ने इसकी मां के जरिए इस हत्यारे की तुलना भगत सिंह से करवा ही दी है, तो शहीद आजम की प्रतिष्ठा बचाने के लिए मजबूरन मुझे एक बहुत ही शर्मनाक सच से पर्दा उठाना होगा, जिसके बाद दुनिया की हर मां, हर बहन शर्म से डूब जाना चाहेगी। और ये मां इसके तो पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। योर ऑनर। हाँ तो शकुंतला देवी जी, आप अदालत को बताइए कि 1 नवंबर की रात को आपकी बेटी राखी दीक्षित कहां थी? जवाब दीजिए शकुंतला देवी, सामूहिक हत्याकांड की रात आपकी बेटी और इसकी मुंह बोली बहन राखी दीक्षित कहां थी? जवाब दीजिए, कहां थी वो? तो तुम ही बताओ अर्जुन रानावत, 1 नवंबर की रात तुम्हारी मुंह बोली बहन राखी दीक्षित कहां थी? जवाब दो अर्जुन रानावत, चुप क्यों? इसका जवाब ना तुम दे सकोगे और ना तुम्हारी ये मां। इस सवाल का जवाब मैं दूंगा। योर ऑनर, 1 नवंबर की रात इसकी आवारा, बदचलन और चरित्रहीन बहन मुख्यमंत्री के फार्म हाउस में, डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री के बेटे मुन्ना त्रिवेदी, पुलिस कमिश्नर के बेटे और अन्य कई लोगों के साथ रंगरलियां मना रही थी। वो एक हाई सोसाइटी कॉल गर्ल थी योर ऑनर, जिसके ना सिर्फ इन मर्दों के साथ बल्कि अपने मुंह बोले भाई अर्जुन रानावत के साथ भी नाजायज ताल्लुकात थे, जो दिन में इसकी बहन और रात में इसकी रखैल थी। रख और खेल, रखैल त्यागी। Oh.
देखा देखा आपने योर ऑनर, सत्र का गला घोटने का इसे और कोई तरीका आता ही नहीं। ये अपने अलावा किसी और मर्द के राखी के साथ नाजायज ताल्लुकात देख ही नहीं सकता। एक नवंबर की रात को जब इसने एक नहीं तीन तीन मर्दों को अपनी रखैल बहन के साथ बिस्तर में पाया तो इसी तरह अपना नियंत्रण खो बैठा और इसने वो भीषण नरसंहार कर डाला। योर ऑनर, जागे! ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, आई से स्टॉप इट। समर सिंह, आपके मुवक्किल की एक और हिंसक हरकत मुझे इसी वक्त कार्रवाई रोककर फैसला सुनाने पर मजबूर कर देगी। सॉरी योर ऑनर। आज की कार्रवाई यहीं रोक दी जाती है। कल की कार्रवाई अर्धसैनिक बलों यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस की मौजूदगी में सिर्फ इस केस से जुड़े लोगों की उपस्थिति में होगी। पच्चात हरामखोर, आज अगर मैं कानून के दायरे में न बंधा होता तो उस त्यागी को गोली मार देता। कल इसी अदालत में राखी को पेश करके त्यागी के सफेद झूठ का पर्दाफाश करूंगा मैं। लेकिन राखी तो अदालत में नहीं आ सकती सर। क्यों क्यों नहीं आ सकती? वो उसे कल अदालत में आना ही होगा। मगर सर, अर्जुन की इस किलिंग्स का राखी को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। जब से उसे ये खबर मिली है वो पत्थर बन गई है। खंडाला के सेंट मेरी सेनेटोरियम में उसका इलाज चल रहा है सर। जरूर कोई राज है जो अर्जुन मुझसे छिपा रहा है। पत्थर मत बनो राखी, बताओ उस हत्याकांड की असली वजह क्या थी? तुम्हारा एक भाई हैदर अली बेगैरत मौत मर चुका है और दूसरे के ऊपर देशद्रोही का इल्जाम है। क्या तुम ये बर्दाश्त कर पाओगी कि तुम्हारे भाई अर्जुन को सजाए मौत मिले? क्या ये सुनकर जिंदा रह सकोगी तुम कि तुम्हारा भाई अर्जुन एक नीच और गिरे हुए कैरेक्टर का आदमी है? ए पत्थर दिल औरत, क्या लोगों की लगाई हुई ये तोहमत बर्दाश्त कर पाओगी तुम कि तुम्हारे भाई अर्जुन के साथ तुम्हारे नाजायज ताल्लुकात थे? क्या सुन सकोगी कि तुम अर्जुन की रखेल हो? मुझे साफ साफ बताओ बेटी के सच क्या है, शायद मैं अर्जुन की जिंदगी बचा सकूं। बताओ सच्चाई क्या है? मैं बताऊंगी अंकल, मैं बताऊंगी कि सच्चाई क्या है। प्लीज यहां से चले जाइए, चले जाइए सर।
ऑनर, ये कुछ कागजात हैं जो मैं चीफ मिनिस्टर साहब और पुलिस कमिश्नर साहब को दे रहा हूं। आप जरा गौर फरमाइए। हाँ तो मुख्यमंत्री जी। जी। ये आपके हाथ में क्या है? ये मेरे चुनाव प्रचार के पैम्फलेट्स हैं और ये मेरा अखबार मेरा भारत महान। क्या आप हमें ये बता सकेंगे कि ये कहाँ छपते हैं? मेरे अपने प्रिंटिंग प्रेस नागपुर में। गुड। हाँ तो पुलिस कमिश्नर साहब, आपके हाथ में क्या है? ये हैदर और अर्जुन रणावत के आईएसआई एजेंट्स होने के पाकिस्तानी दस्तावेज हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। लेबोरेटरी एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन पाकिस्तानी दस्तावेजों की प्रिंटिंग की स्याही वही है जो मुख्यमंत्री जी के अखबार मेरा भारत महान की है। अब तो सिर्फ दो ही बातें हो सकती हैं योर ऑनर, या तो काशी त्रिवेदी जी का अखबार मेरा भारत महान पाकिस्तान में छपता है, और या फिर पाकिस्तानी दस्तावेज इनकी अपनी प्रिंटिंग प्रेस महाराष्ट्र इंडिया में छपते हैं। योर ऑनर, ये दोनों महापुरुष इस जरा सी बात को भूल गए और इन्होंने अर्जुन और हैदर को देशद्रोही साबित करने के लिए अपनी ही प्रिंटिंग प्रेस में ये नकली पाकिस्तानी दस्तावेज छाप डाले। इन्हें गिरफ्तार किया जाए। योर ऑनर, ये अदालत को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि ये केस झूठे दस्तावेजों का नहीं बल्कि हत्या का है, और इस सत्य को कोई नहीं बदल सकता कि आरोपी ने 18 हत्याएं की हैं। क्या आरोपी के वकील के पास है कोई ऐसी वजह जो इन हत्याओं को जायज ठहरा सके? वजह है योर ऑनर। तो बताइए वो वजह, और अर्जुन को निर्दोष साबित कर दीजिए। आप खामोश क्यों हैं? बताइए ना वजह वकील साहब। वजह मैं जानता हूं योर ऑनर, लेकिन मैं अदालत को बता नहीं सकता। आप जानते हैं कि आपका यह बयान आरोपी को मृत्यु दंड दिला सकता है। हां जनाब, दे दीजिए अर्जुन को मृत्यु दंड। मैं अंतिम बार पूछता हूं कि हत्या की क्या वजह थी? जवाब दीजिए समर सिंह जी। इसे मृत्यु दंड दे दीजिए, मैं वजह नहीं बता सकता। योर ऑनर, वजह मैं बताऊंगी। नहीं राखी, तुम वापस लौट जाओ। मैं कहता हूं लौट जाओ राखी। तुम्हें मेरी कसम राखी, लौट जाओ यहां से। राखी तुम्हें मां का वास्ता है, लौट जाओ इस नरक से। नहीं भैया, हमारे रिश्ते की सच्चाई बताने से आज मुझे कोई कसम, कोई भगवान भी नहीं रोक सकता। जज्बाती मत बनो राखी, तुम बर्बाद हो जाओगी। हो जाने दो बर्बाद मुझे, आज मैं बता कर रहूंगी कि हकीकत क्या है। योर ऑनर, 1 नवंबर की रात इस सीएम का भाई डेप्यूटी सीएम बद्रीनाथ त्रिवेदी, अंडरवर्ल्ड डॉन जफर सुपारी, इंस्पेक्टर अवस्थी, इस कमिश्नर का बेटा और इनके आपी मुझे किडनैप करके इसके फार्म हाउस पर ले गए। योर ऑनर, मेरा बलात्कार करने के लिए, गैंग रेप करने के लिए। Yeah!
इनकाउंटर स्पेशलिस्ट अर्जुन रिनावत, मैं जफर सुपारी। अगर हिम्मत है तो सीएम के फार्म हाउस बनाकर रोक ले अपनी बहन की इज्जत का इनकाउंटर। जफर सुपारी
శాస్తి ప్రజా సర్వా దండేవాక్షతి దండ సుప్తేషు జాగర్తి దండము ధర్మ విదుర్బుధ. ये है उस रात की हकीकत. क्या अब भी कोई जानना चाहता है कि मेरा भाई खामोश क्यों है और क्यों वो अपने लिए मौत मांग रहा है? रुक जाइए जज साहब. योर ऑनर, मैं एक सिपाही हूं. नहीं चाहिए मुझे जिंदगी की भीख, मुझे चाहिए विजय या वीरगति. दीजिए मुझे मृत्यु दंड, क्योंकि मैं फिर से लौट कर आऊंगा और अपने देश की गर्व की रक्षा में फिर से शस्त्र उठाऊंगा. क्योंकि अर्जुन रणभूमि में शस्त्र उठाते थे, उठाते हैं और हमेशा उठाते रहेंगे. यह अदालत मुख्यमंत्री काशीनाथ त्रिवेदी और कमिश्नर देशपांडे पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने का आदेश देती है और साथ ही समाज और संविधान की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने वाले अर्जुन राणावत को सम्मान के साथ आरोप मुक्त करती है.